नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूपी बोर्ड का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज है आपका 11 अप्रैल और यहां पे दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। कब तक जारी होगा यहाँ पर हम लोग जानेंगे और कैसे आप चेक कर पाएंगे। आप क्लास 12th के छात्र हों या फिर आप 10th के छात्र हों, आप अपना यूपी बोर्ड का रिजल्ट आराम से चेक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है यूपीएमएसपी। यहाँ पे लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से मेरी कुछ बातें हैं उसे सुन लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखिए जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन यहाँ पे साइट क्रैश हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते हैं रिजल्ट। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना, अगर उस तरीका को आप यूज करेंगे तो आपका साइट क्रैश नहीं होगा और सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए जिससे वो भी अपना रिजल्ट देख पाए। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यूपीएमएसपी का जो साइट है ना इस पे आ जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, अब साइट जब क्रैश होने लगती है तो यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से और यूट्यूबर लोग बताएं यूट्यूब पे, उस प्रकार से आप चेक करेंगे ना तो साइट क्रैश हो जाएगी और आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम लोग अपने फ़ोन को ही लैपटॉप बना के देखेंगे जिससे हमारा साइट क्रैश नहीं होगा और हम लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो अपने फ़ोन को हम लोग लैपटॉप कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपका इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पे देखिए 3 लाइनिंग मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस साइड स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिला महत्वपूर्ण लिंक का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा समस्त परीक्षा फल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समस्त परीक्षा फल पे क्लिक कर देना है। जैसे समस्त परीक्षा फल पे क्लिक कर देंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक आपको हरा कलर में लिखा हुआ मिलेगा, हाई स्कूल कक्षा 10 का परीक्षा फल वर्ष 2022 और नीचे इंटरमीडिएट कक्षा 12 का परीक्षा फल वर्ष 2022। अभी दोस्तों 2023 का रिजल्ट आने वाला है तो अभी आया तो नहीं है ना, तो अभी 2022 दिखा रहा है, जैसे आ जाएगा तुरंत 2023 दिखा देगा। तो यहाँ पे आप जिस भी क्लास का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं 12th का यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी जिला। तो हम गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर यहाँ पे लिख देंगे, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2023 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको करना नहीं होगा, 2023 यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना 10 नंबर का जो यहाँ पे रोल नंबर होता है उसे डालना होगा। दोस्तों बता दूँ, जो रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके दीजिए कि भाई मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, तो मैं बता दूंगा कि रोल नंबर आप कैसे पता कर सकते हैं बिना एडमिट कार्ड का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप रोल नंबर डाल के जैसे व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे दोस्तों आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफी अच्छी लगी हुई होगी। अब दोस्तों बता दूं, अभी देखिए कोई भी डेट यूपीएमएसपी यानी कि यूपी बोर्ड की जो यहाँ पे संस्था है वो अभी कोई भी यहाँ पे डेट नहीं बताई है कि कब तक रिजल्ट आएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, वो डेट बताएगी भी नहीं, अचानक से रिजल्ट को जारी किया जाएगा, यहाँ पे डेट को घोषित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।